ईशो दादा, मेरे पैसे वापस कर दो, ये मेरे पूरे दिन की कमाई है। गुच्ची गुच्ची मार, गुच्ची मार। थैंक यू गुची। यार दिनू, कार्निवल में क्या लड़कियां आती हैं यार, काली गोरी लंबी छोटी दुबली मोटी, एक से एक टॉप क्लास। आहिस्ता आहिस्ता, अगर भैया को तेरी इन हरकतों का पता चल गया तो। भैया कभी गैरेज से बाहर जाते हैं क्या? हाँ, कभी कभी सामान खरीदने मार्केट जरूर जाते हैं, बाकी ना आना ना जाना ना किसी से मिलना। अरे अगर भैया की तरह लड़कियों से नफरत करने लगे ना तो चल चुकी जिंदगी। अरे दिनू तुझे क्या बताऊं, जब लड़कियां यहां सर रखती है ना। अरे जैक लगा तो मर गया। अरे इसीलिए तो कहता हूं कि भैया की बात को भगवान की लेख समझकर हमेशा माना कर। तू समझता ही नहीं। कमाल है, आदमी है या लीडर, खड़े खड़े भाषण बदल दिए। भैया भैया, इसलिए मैं भैया की हर बात नोट करता हूँ, और मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि भैया के उसलू की किताब छपवाऊंगा, ताकि वो किताब पढ़कर लोग भैया के बताए हुए रास्ते पर चल सके। आस्ते, आस्ते, आस्ते। ये क्या है, ये कैसे बाल बनाए तूने? नहीं 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 नहीं, ऐसे बाल नहीं बनाना कभी। हम लोग ऐसे बाल बनाना जो है बहुत गलत माना जाता है। ऐसे ये है, ये है, ये चपटे करके है, देखो। अच्छा तू रोज बस यहाँ से कहाँ जाता है? भैया कार्निवल। वो तो नहीं आती है ना। वो क्या भैया? अरे लड़की। लड़की, ये क्या चीज? वो अच्छा अच्छा, वो जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, जो मुंह में लाली वही ना, मतलब वो लोग नहीं आते, वो तो सब स्कूल के बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और मैं उनके साथ झूला झूलता हूँ। आंखों को क्या ठंडक पहुंच रही है यार, ये भगवान ने लड़कियां बनाकर हम जैसों पर बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ। ये रॉबिन क्या कर रहा है यहाँ? साला फिर लड़की लेकर आया, चल इसकी लड़की उड़ाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, मगर कैसे? कैसे? अरे लड़की को जगह कह देंगे साला शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। बच्चे? हाँ। मगर वो तो कुंवारा है, लड़की थोड़ी मानेगी। अबे यार ये मुझ पे छोड़ना। अंकल हैं? अंकल नहीं, दोस्त हैं। आप उन्हें जानते हैं? हाँ, मतलब मैं इनकी दूसरी बीवी को जानता हूँ। दूसरी बीवी? हाँ, इसकी पहली बीवी मर गई, इसे दूसरी शादी करनी पड़ी। ये कैसे हो सकता है? वो तो कह रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा। इसका मतलब रॉबिन तीसरी शादी कर रहा है। उसके बच्चों का क्या होगा? उसके बच्चे भी हैं? चार, बड़े मासूम और भोले। रास्कल, कमीना, झूठा कहीं का, उसने मुझसे ये सब बातें छुपा कर रखी। आज के बाद मैं उस मनुष्य की शक्ल तक नहीं देखूंगी। ये तो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। माधुरी जी, हाँ
माधुरी नहीं, भावना। भावना कितना सुंदर और शीतल नाम है, और वो कमीना आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था। ची 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 ची, चलिए आप मेरे साथ चलिए। भावना जी, ये भिखारी आपको बहन जी कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, शादी को क्या मांग करना वाला? आप भीख मांग रहा है, शादी की बात कर रहा है। शादी भावना बहरा है। समझ गया, आपको बहन जी कह रहा है, इसलिए आपको प्यार से बहन जी कहा है, तो आप अपने शुभ हाथों से इसे कुछ भीख दे दीजिए। क्या हो रहा है, मुंह लटका क्यों खड़े हो तुम लोग? नाके पे ना नया क्लब खुला है, कल रात पगार मिलते ही हम सब वहाँ जुआ खेलने चले गए, सारी पगार हार गए दीनू भैया। हमारे साथ चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है हमारे साथ। तुम कुछ करो ना दीनू भैया, नहीं तो सारा महीना हम लोग भूखे रह जाएंगे। क्या बे? चुप, फाइटिंग करेगा। पहले वादा करो कि आज के बाद तुम लोग जुआ नहीं खेलोगे। वादा करते हैं, हम आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे। ठीक है, पूछिए, आज रात को हम दोनों क्लब जाएंगे। बच्चे शो कर। तू खुली चीटिंग करके जा रहा है? हाँ, ये खुली चीटिंग है जो तूने भी मेरे वर्करों के साथ किया था। मैं उनके पैसे लेकर वापस जा रहा हूं। तू यहां से पैसे लेकर नहीं जा सकता। छह सारे पैसे मिल गए। आप लोग पूरे कपड़े पहने रहे तो अच्छा है, वरना इंसान तो इंसान, जानवर भी बिगड़ने लगे। चले चल। बॉबी, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने जिंदगी में प्यार किया। सुनो, तुम्हारा नाम नरेन है? कौन नरेन? तुम कोई भी हो,
देखो तुम्हें ढूंढते हुए कौन आया है। साहिबा। ए, ये कौन है? साहिबा, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी गंगा। गंगा? ये वो गंगा है जिसे तुम पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने गए और मैं लेकर के चले आए। ए, यारे, मैं किसी गंगा वंगा को जानता नहीं। अरे मेरा यकीन मानो, मैं इसे जानता नहीं। मुझे नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, मुझे ना अपनाओ, मगर अपनी धरोहर, अपनी निशानी को तो अपना लो। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा भी कभी एक जगह रुकी है, गंगा को तो बहना है और मैला होना है। ना गंगा ना, तू चल मेरे साथ। नहीं ठहरो डिंकी, मैं तुम्हें इस तरह गंगा को ठुकराने नहीं दूंगी। तुम्हें इसे और अपने बच्चे को अपनाना ही होगा। मगर ये मगर वगर कुछ नहीं, तुम इस तरह गंगा को नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है तो इसे अपना लो, इसे ले जाओ अपने साथ। चलो जाओ, चलो जाओ। आओ बालक, अपना घर बना। जाओ। आ हा हा, राम तेरी गंगा मैली होने से बच गई। चल कुत्ते, जा, जाओ। चलो गंगा। ए बाबूजी, कैसी रही हमारी एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ, असल में हम एक धोबन है और फिल्मों में हीरोइन बनना चाहते हैं, लव स्टोरी में। और जो बाबूजी है ना, जो हमें साथ लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि आप बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अगर हमने आपके सामने अच्छी एक्टिंग की ना, तो आप हमें हीरोइन बना देंगे। अच्छा? हाँ। अब तुम जाओ, किसी दिन फुर्सत में तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। हे डिंकी, आज रॉबिन ने तुझे मात दे दी। अब तू देखना उसकी मौत का बंदोबस्त मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि रॉबिन ये नहीं जानता अंदर जो लड़की बैठी है ना, वो किसकी बेटी है। किसकी? गामा पहलवान की। क्या जमाना आ गया, शरीफ घर की बहू बेटी को तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जगह जगह बदमाश लोग शरीफों के भेष में भोली वाली लड़कियों का शिकार करने बैठे। आज फिर एक बदमाश एक शरीफ लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। थू, 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 थू। मुझे तो उस लड़की के बाप का सोचकर दुख हो रहा है। ये गामा पहलवान जी कहां रहते हैं? गामा पहलवान मैं हूँ। अरे तो फिर यहाँ क्या वजन उठा रहे हो? जल्दी जाओ और अपनी लड़की की इज्जत बचाओ, वरना वो बहु रुपया तुम्हारी बेटी को याहू याहू याहू। कहाँ है वो? आ हा हा हा, आपकी हाथ की रेखाएं ये बता रही हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा अजनबी आने वाला है जो पिटने वाला है। अरे काले जा रहे हो, अरे काले जा रहे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। आप कौन है? लाओ।